हे गाइस, मैं हूँ सोच कनाल और स्वागत करता हूँ आपका हाइड एक भारत इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन्फिनिट प्रिंटर एप्लीकेशन के अंदर आप जो है कैसे इरेजर का जो साइज़ है घटा बढ़ा सकते हैं, वही आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जहां पर हम जो है क्या करते हैं, एक न्यू फाइल जो है क्रिएट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ। समझो, मैंने यहाँ पर लिखा SURAJ। ठीक है, अब इसको जो है हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। मिटाने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डाउन साइड में एक इरेजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर टैप करेंगे और इसे हम जो है देख सकते हैं मिटा रहे हैं। लेकिन इरेजर का साइज़ जो है छोटा सा है, तो इसको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना होगा। यहाँ पर टैप करके आपको इसे जो है ना इस तरफ लेके जाना होगा। जैसे आप इस तरफ लेके जाओगे, आपके इरेजर का जो साइज़ है आप देख सकते हैं बढ़ चुका है। अब आप पूरा लेके जाओगे तो आपका इरेजर का साइज़ जो है कितना बढ़ चुका है आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसे नीचे लेके जाओगे तो आपके इरेजर का साइज़ जो है एकदम बारीक सा हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना छोटा सा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इरेजर का साइज़ जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इस इन्फाइनाइट प्रिंटर एप्लीकेशन के अंदर। बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।